सोशल मीडिया पर एक 14 सेकंड की वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। वीडियो किसी सभा का है जहां एक नेता बोल रहे हैं कि हमारा दुश्मन एक लाल झंडा नहीं, ये तिरंगा भी है। इसीलिए एक एक कार्यकर्ता से मैं निवेदन करता हूं कि सभी कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ रहे, होशो हवास में रहे। मुझे पता है आज गर्मी है, इसीलिए मैं उधर से इधर आया हूँ। राजस्थान में भाजपा की ओर से एक सभा आयोजित की गई, इसमें तिरंगे का अपमान करने के दावे के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक नेता को ये बोलते हुए सुना जा रहा है कि केवल झंडा ही नहीं, ये तिरंगा भी हमारा दुश्मन है। वायरल वीडियो की सच्चाई पता करने के लिए वीडियो की जांच पड़ताल की गई तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया कि वीडियो रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र का है, जहाँ आयोजित सभा में पोस्टर पर भाजपा प्रत्याशी बलवीर लूथरा का नाम लिखा हुआ है। मंच पर व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट और गले में बीजेपी का दुपट्टा पहने एक शख्स भाषण दे रहा है, जिसका नाम पवन दुग्गल है, जो पूर्व में माकपा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, जो कह रहे हैं कि 2000 में 2 अक्टूबर को इसी कांग्रेस पार्टी ने इस इलाके में पानी का कनेक्शन कटवा दिया था, जिसके लिए आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस इलाके को बर्बाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी है। रायसिंह नगर विधानसभा से यही सोहन नायक 2000 में MLA थे। राजस्थान की कैबिनेट ने इस इलाके से पानी का कनेक्शन क्यों कटवाया था, पूछो इसी सोहन लाल नायक से। ये वही लोग हैं जो बता रहे थे इस इलाके में सेम आ गई, इसीलिए पानी का कनेक्शन कटवा दिया था। बता दें ये लाइव वीडियो 1 घंटे 2 मिनट का था, जहां 29वें मिनट में 14 सेकंड का हिस्सा काटकर ये वीडियो वायरल किया गया। वीडियो 1 नवंबर रायसिंह नगर से भाजपा की ओर से बनाए गए प्रत्याशी बलवीर सिंह लूथरा के कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम का है। बलवीर सिंह लूथरा के ऑफिशियल पेज से इस उद्घाटन समारोह को लाइव किया गया था, जहां से पवन दुग्गल ने तिरंगे के लिए ये सब बातें कहकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।